प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले भारत की ओर दोस्ताना रुख दर्शाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अत्याधुनिक गार्जियन ड्रोन देने का फैसला किया है। भारत को इन गार्जियन ड्रोन की बेहद जरूरत थी। जानकारी के मुताबिक ट्रंप सरकार ने 2 से 3 अरब डॉलर यानी 128 अरब रुपए से लेकर 192 अरब रुपए के ड्रोन सौदे को मंजूरी दी है। भारत ने अमेरिका के इस कदम को दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से गेम चेंजर करार दिया है। खबर है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से भारत सरकार और ड्रोन निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स को बुधवार को ही अवगत करा दिया था। द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के साथ संबंधों के मामले में डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं। ये उसका पहला महत्वपूर्ण संकेत है। आपको बता दें कि भारत निगरानी करने वाले अमेरिकन गार्जियन ड्रोन तकनीक हासिल करने की कोशिश में काफी समय से लगा हुआ था। ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका ने ड्रोन तकनीक भारत को देने का वादा भी कर लिया था, परंतु डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इस सौदे को लेकर संशय था। लेकिन मोदी के रविवार से शुरू होने वाले दौरे से पहले ट्रंप सरकार ने ड्रोन भारत को देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। अभी तक अमेरिका ने ये तकनीक बेहद गिने चुने देशों को ही दी है। भारत पहला ऐसा गैर नाटो गठबंधन देश है जिसे ड्रोन तकनीक सौंपने जा रहा है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 27 घंटे तक हवा में रह सकता है। गार्जियन ड्रोन मिलने से भारत के लिए अब हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में काफी आसानी हो जाएगी। टीम इंडिलिंग्स।